लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, इट इज बेंट इनटू ए सर्कल ऑफ वन टर्न एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। सो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल दिया है, एक ही कॉइल का एक ही टर्न है, सो म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू रेडियस। अगर एक टर्न है, अगर दो टर्न होते तो डबल करते, एन टर्न होते तो एन टाइम्स। अब आगे का क्या कहा है, इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए उसी वायर को, अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के कोयल बना दी, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब जो वायर की लेंथ है वो तो सेम रहेगी, पहले कितनी थी 2 पाई आर, ठीक है ना, रेडियस आर थी, एक ही टर्न था, अब नंबर ऑफ टर्न्स एन कर दिए तो रेडियस चेंज रहेगी, सपोज आर डैश, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो आर डैश इक्वल टू आर अपॉन एन, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन टू और रेडियस आर डैश, ये है एक टर्न, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने किए, एन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब ये हो जाएगा, सो एन म्यू नोट आई अपॉन टू और आर डैश की वैल्यू आर बाई आर, सो एन यहां मल्टीप्लाई में, सो एन स्क्वायर म्यू नोट आई अपॉन टू आर और ये है बी, सो एन स्क्वायर बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, पहले अगर बी था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।